दर्शकों नमस्कार, योग निरोग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बकासन के बारे में। बकासन से लगता है बगुला, बगुले की तरह आकृति आपके शरीर की। तो चलिए सीखते हैं बकासन को करने का सही तरीका। मित्रों, बकासन का नाम सुनते ही आपको वह बगुला, तो आपको पता है बगुला में कितना कंसंट्रेशन पावर होता है। वो तालाब के किनारे खड़े होके देखते रहते हैं मछली को, और जैसे ही वो मछली को देखता है एकदम से उसको पकड़ता है। तो बकासन करने से हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। बकासन के लिए सबसे पहले हम बैठेंगे उकड़ू, इस प्रकार बैठने के बाद शरीर का पूरा वजन अपने पैरों के पंजों पर दीजिएगा। आप देख सकते हैं एड़ियां उठ गई हैं, पूरा वजन पंजों पर। फिर बाएं हाथ को आगे ले आएं, दाहिने को आगे ले आएं। आगे लाने के बाद दाहिने बाजू को पूरा, दाहिने जंघा और घुटनों के नीचे इस प्रकार से सेट कर दें। आप देख सकते हैं इस प्रकार से सेट करना है। कोहनी बाजू से बाहर आ जाए, देन बाएं हाथ को भी इसी प्रकार से सेट करें। आप चाहें तो कुछ समय उकड़ बैठकर हाथों को सेट करने का प्रयास इस प्रकार से कर सकते हैं, ताकि आप बकासन आराम से कर सकें। जब आप इस प्रकार से आराम से बैठने लग जाएं और आपके हाथ पूरी तरह से सेट हो, वापस से एड़ियां उठा दीजिएगा और हाथों को यहाँ पर सेट करें। धीरे से नितंबों को उठाते हुए हल्का सा झटका देकर अपने पैरों को उठा देंगे। इस प्रकार आप देख सकते हैं सारा शरीर हवा में, अपने दोनों हाथों पर, दृष्टि सामने। इस आसन में कम से कम आधा मिनट से लेकर एक मिनट तक होल्ड करने के बाद धीरे धीरे वापस आएंगे। उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप आसन में गए थे, देन विश्राम। ऑब्जर्वेशन, चाहे आप सुखासन में विश्राम करें या दंडासन में पैरों को सामने फैलाकर, ऑब्जर्वेशन, आसन करने के बाद क्या फर्क हुआ आपके तन और मन में, उसके प्रति साक्षी भाव। दर्शकों, अभी मैंने आपको सामने से दिखाया, हम इसका साइड व्यूज देखेंगे। देखिएगा, जब हम अपने हाथों को रखें तो हाथों को प्रॉपर सेट होना चाहिए, न तो आपके हाथ ज़्यादा दूर न ज़्यादा पास में, इस बात का विशेष ध्यान रखें। देखते हैं साइड व्यूज को। आप देख सकते हैं पैरों की स्थिति इस प्रकार से, देन हाथों को इस प्रकार रखने के बाद धीरे से बॉडी को उठाएंगे, देन बकासन की स्थिति साइड व्यू से। धीरे से वापस, ये तो था इनिशियल स्थिति। अगर आप इसका गहन अभ्यास करते हैं तो आप
इससे भी एडवांस में जा सकते हैं। उसके लिए आप खड़े हो जाएंगे इस प्रकार से, आप देख सकते हैं, खड़े होकर एडी को उठाएंगे और अपने दोनों हाथों को, या कह सकते हैं दोनों घुटनों को बिल्कुल काक पर आपके कंधे और शरीर के जोड़ में रखेंगे, धीरे से बॉडी को उठाएंगे। ये बकासन की एडवांस पोजीशन। इस प्रकार से भी आप बकासन कर सकते हैं। आप देखिएगा, वापस मैं इसे भी साइड व्यूज करके दिखाता हूं। मैंने आपको बोला जो आपकी घुटना है वो बिल्कुल इस जगह पर लगाना है, आप देख सकते हैं इस जगह पर, ताकि आपका बैलेंस इजीली बने। न तो घुटना इधर लगेगा न इधर, ऐसा लगेगा तो आपको बहुत अनकंफर्ट फील होगा। तो ये जो है यहाँ पर इस प्रकार से साइड व्यूज में आपको अच्छी तरह पता चलेगा। आप इस पोजीशन में आ गए, इन हाथ बगल में रखा और आप देखें दोनों घुटनों को बिल्कुल काख पर। उसके बाद धीरे धीरे पैरों को उठाया आपने इस प्रकार से, बिल्कुल बगुले की भांति। इस आसन को 30 से लेकर 1 मिनट तक होल्ड करने के बाद धीरे धीरे वापस आए, देन आराम करें। मित्रों, जब हम बकासन करते हैं तब हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है और हाथ में लगने की भी संभावना होती है। इसके लिए बकासन का अभ्यास धीरे धीरे करना चाहिए। उसके लिए पहले इनिशियल पोज, उसके बाद धीरे धीरे अभ्यास करना है। कभी कभी जब हम करते हैं तो हमारा सिर आगे की तरफ आ जाता है। मैं एक बार करके दिखा देता हूं। जब हम बकासन करते हैं तो हाथों का बैलेंस बिगड़ जाता है और हम इस प्रकार से गिर जाते हैं। उसके लिए आप सामने तकिया या ब्लोस्टर रख के अभ्यास कर सकते हैं, जिससे आपको चोट नहीं लगे। बकासन करने से हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है और हमारे कंधे और हाथों के लिए बहुत अच्छा है। बकासन पेट की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम बकासन करते हैं तब पेट की मांसपेशियां संकुचित होती हैं, उसके कारण पेट की मांसपेशियों का अच्छा खासा मसाज हो जाता है। दर्शकों, आज हमने जाना बकासन के बारे में। कल फिर मिलेंगे नए आसन और क्रियाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।